महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के गढ़ कालिका क्षेत्र में स्थित हनुमतकेश्वर महादेव 84 महादेवों में 79वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान राम ने रावण आदि को मारकर राज्य प्रारंभ करना शुरू किया, तब अगस्त्य मुनि आए। उन्होंने भगवान को सीता सहित देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने हनुमान की प्रशंसा की। तब भगवान राम ने विचार किया कि लक्ष्मण को छोड़ के इन्होंने हनुमान की प्रशंसा क्यों की। तब उन्होंने हनुमान के पराक्रम जैसे समुद्र लांघना, लंका में सूक्ष्म रूप से प्रवेश करना, सीता को आश्वासन देना, लंका भस्म करना, युद्ध में रावण की सेना को मारना आदि कार्यों की प्रशंसा की। तब राम ने पूछा कि सुग्रीव की मित्रता करके उन्होंने बाली को क्यों नहीं मारा। तब मुनि बोले, इन्हें बचपन से ही मुनियों का शाप है कि ये अपने बल को जानते नहीं हैं। पैदा होते ही इन्होंने आकाश में छलांग मारकर उगते सूरज को निगलने की कोशिश की थी। तब इंद्र ने इनकी दाढ़ी पर व्रज से प्रहार किया, इससे उनकी बाई दाढ़ी टूट गई। इन्हें मरा समझकर वायु देवता इन्हें महाकाल वन में ले आए। वहां एक लिंग की पूजा से उठ खड़े हुए। तब उस लिंग का नाम हनुमतकेश्वर हुआ। तब वहां इंद्र अन्य देवता सहित उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि मेरे व्रत से इनकी दाढ़ी टूट गई थी, इसलिए ये हनुमान कहलाएंगे। वरुण ने उन्हें समरता, यमराज ने दंड से अवध्य होना, कुबेर ने आरोग्य, सूरज ने कांति, पवन ने गति प्रदान की। इस लिंग ने आशीर्वाद दिया कि ये किसी भी आयुध से नहीं मरेंगे और युद्ध में अजय रहेंगे। विभीषण की प्रार्थना पर वहां महाकाल वन में जो लिंग स्थापित किया गया वह इनके नाम से हनुमतकेश्वर कहलाया। तब उसे लेकर वायुदेव अंजना माता के पास गए। हनुमान के इस पराक्रम को जानकर सब मुनि अवंतिका नगरी में आए। उन्होंने हनुमतकेश्वर की पूजा की। हनुमतकेश्वर की पूजा से मुक्ति प्राप्त होती है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।